डेल के लैपटॉप में अगर ये प्रॉब्लम आता है, आपका डेल का लोगो आ जाए और आगे न बढ़े, तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जैसे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा है कि डेल का लोगो है, ठीक है, लेकिन आगे बूट नहीं हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, मेरा विंडोज़ चालू नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो फाइंड आउट हम करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, अभी हम फिर से वापस यहाँ पे बंद कर देते हैं लैपटॉप को, लैपटॉप को बंद करके फिर से चालू करेंगे और चालू करके देखते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे आप चालू करोगे, ऑन का बटन दबाएंगे, आपको डिस्प्ले यहाँ पे आएगा, ठीक है, और फिर आगे नहीं बढ़ता है। आप F2 दबाइए या सेटिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो भी वहाँ पर नहीं जाता है। तो देखिए क्या करना है, देखिए अभी वापस हम इसको बंद कर देते हैं, बंद करके फिर आज में इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले पावर का जो केबल लगा हुआ है उसको अनप्लग कर देते हैं। अनप्लग करने के बाद में इस लैपटॉप को हम खोलते हैं। इसके बैक साइड में आप जाइएगा, ठीक है, बैक साइड में यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, इसको खोलेंगे। अगर आपको यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क अपग्रेड करना है या दूसरा हार्ड डिस्क लगाना है तो भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैटरी को निकाल देना है, डिस्कनेक्ट कर देना क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसके लॉक हैं, लॉक को ओपन करेंगे इस तरीके से। बैटरी हम पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बैटरी को निकालते हैं। कोई भी लैपटॉप ओपन करते समय सबसे पहले आप पावर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करिए और उसके बाद में लैपटॉप की जो बैटरी है उसको निकालिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया। अभी इसके बाद में यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को हम यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है, जो कीबोर्ड में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद में ये इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे। इसके नीचे आपको लैपटॉप का हार्ड डिस्क और यहाँ पे रैम दिखेगा, ठीक है। इसको तरीके से इसके कैप को बाहर रिमूव करेंगे, आगे के साइड में पुश करेंगे, निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क दिख रहा है, ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क का कनेक्शन है, कोई लूज वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद में इसको निकाल देते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है, हमने हार्ड डिस्क का कनेक्शन भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क का कनेक्शन रिमूव करके हार्ड डिस्क निकाल देते हैं। दूसरा हार्ड डिस्क भी लगाना चाहो तो आप बाद में लगा सकते हो। यहाँ पे रैम अगर अपग्रेड करना है इस तरीके से, यहाँ पे रैम भी आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका तो हो गया। अभी इसको हम फिर से ऑन करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑन करते हैं। पहले इसका कीबोर्ड जो है फ्रंट साइड में वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कीबोर्ड का कनेक्शन जो है यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसको सारे को सभी को डिसकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से लैपटॉप का कीबोर्ड यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये आपका कीबोर्ड निकल गया। आप दूसरा अगर कीबोर्ड एक्सचेंज या रिप्लेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इस तरीके से ऊपर का लॉक खोलना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पावर का कनेक्शन लगा के हम देखते हैं कि क्या एरर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पावर का कनेक्शन लगा दिया, बैटरी का हमने नहीं लगाया हुआ है बैटरी, ठीक है, ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम ऑन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको बीप का आवाज़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी ये रैम नहीं है, इसके लिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो हम इस रैम को लगा देंगे, ठीक है। रैम को लगाने के बाद में फिर से ऑन करेंगे, ठीक है, देखिए ये हमारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है, ये देखिए सामने आपको डिस्प्ले दिख रहा है और ये आगे बढ़ गया है। मतलब जो डेल का आइकॉन था वहाँ पे रुका हुआ था, अभी यहाँ पे सॉल्व हो गया कि अभी ये आगे बूट करने की कोशिश कर रहा है, हार्ड डिस्क चाहिए उसको। अभी फिर से वापस हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करके देखिए ये डेल का लोगो आया, ठीक है, डेल के लोगो के बाद में देखिए ये आगे बढ़ गया। अभी हमारा प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हुआ कि किस में प्रॉब्लम था, ठीक है, लेकिन ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के करीब में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम पावर बंद कर देते हैं और उसके बाद में जो जो हमने कनेक्शन लगाए थे उस निकाले थे उसको हम लगा देते हैं। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को आप लगा दीजिएगा, हार्ड डिस्क लगा के ऑन करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए हार्ड डिस्क लगा दिए हैं और उसके बाद में ये बैटरी भी लगा दिए हैं
अभी इसके कैप भी आप यहाँ पे लगा के ऑन करके आप ठीक है चेक करते हैं। ये देखिए ये बैटरी लग गया, ये रैम लग गया, ये हार्ड डिस्क लग गया। ठीक है, यहाँ से अभी ये इसके कवर को आप यहाँ पे लगा के स्क्रू से टाइट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रू से टाइट करने पे अब लैपटॉप को ऑन करेंगे, पावर का कनेक्शन लगा देंगे और बैटरी तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और ऑन करके देखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे पावर का कनेक्शन हमने लगा दिया, लगाने के बाद लैपटॉप ओपन कर दीजिएगा संभाल के। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी कीबोर्ड लगाया नहीं है। ठीक है, अभी हम ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमारे डिस्प्ले आ गया है, लोगो आ गया। अभी यहाँ पे हमारा देखिए लैपटॉप बूट करने लगा। ठीक है, अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी देखिए ऑन हो गया, यहाँ पे विंडोज़ का लोगो आ गया और विंडोज़ पूरा चालू हो गया। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों कि आपके कीपैड में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम पता फाइंड आउट हो गया कि हमारे कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो आपको कीबोर्ड कहीं कहीं शॉर्ट कर रहा होगा, इसके वजह से आगे बढ़ने नहीं दे रहा होगा। देखिए हमारा विंडोज़ चालू हो गया है। ठीक है, अभी हम कीबोर्ड लगा के भी आपको दिखाएंगे कि देखिए कीबोर्ड अगर लगा देते हैं तो हमारा आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, आगे जाता है, या विंडोज़ चालू होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा पूरा विंडोज़ ऑन हो गया है। अभी यहाँ पे हम इसको लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे शट डाउन कर दीजिए। ठीक है, शट डाउन करने के बाद में कीबोर्ड फिर से वापस लगाएंगे, लगा के आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, कुछ आज पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा दोस्तों, आपका हेल्प ज़रूर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने शट डाउन कर दीजिए। शट डाउन करके अभी हम आपको कीबोर्ड भी लगा के दिखाते हैं। देखिए ये कीबोर्ड आपका है, कीबोर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अभी ऑन करेंगे। देखिए ये कीबोर्ड लग गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑन करेंगे। इस केस में आपको कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इंटरनल कीबोर्ड में प्रॉब्लम है तो आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो, लेकिन कनेक्शन जो डिसकनेक्ट होना चाहिए। देखिए हमने ऑन किया, ये देखिए ये डिस्प्ले हमारा आ गया, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बूट नहीं हो रहा है, बूट करने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये कीबोर्ड में प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, कीबोर्ड कहीं शॉर्ट कर रहा है, इसलिए आपको वो बढ़ने नहीं दे रहा है, ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। इस केस में आपको कीबोर्ड रिप्लेस करना ही होगा दोस्तों। हमारा वीडियो कैसे लगा दोस्तों, मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कीबोर्ड का ये प्रॉब्लम 100% है दोस्तों।